हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुदेश फ्रॉम आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शिरगढ़। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल वेल। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज स्टे इन योर होम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट दैट आवर सेकेंड क्लास इंग्लिश बुक। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? नाउ वी स्टार्ट इट। डियर स्टूडेंट्स, इन इंग्लिश our first chapter is that is me. Okay students, I hope you read this lesson. Dear students, इसके जो कुछ क्वेश्चन आंसर है वो हमने क्लियरली कर लिए थे, एंड सम आफ्टर कुछ हमारे क्वेश्चन से वो हम आज रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट इट। फर्स्ट इज ग्रास्पिंग ग्रामर। फर्स्ट इज ग्रास्पिंग ग्रामर। ओके स्टूडेंट्स, वी यूज एस। ओके स्टूडेंट्स, वी यूज एस टू शो द ओनरशिप ऑफ समथिंग टू समवन। एस मीन्स बिलोंग टू, कि कोई भी चीज़ जब हम उसके साथ एस राइट करते हैं तो उसका जो मीनिंग है वह चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? वी यूज एस टू शो द ओनरशिप, कि उस चीज़ से उस चीज़ की जो दो चीज़ें जो एक पर्सन है या एक थिंग है उसको किस तरह से कनेक्टेड किया गया है, इससे हम एस का मीनिंग डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल द डॉल बिलोंग्स टू देबू, कि जो डॉल है यानी कि गुड़िया है वह देबू से संबंधित है। दिस इज देबूज डॉल, कि यह देबू की डॉल है। एस लगा दिया तो इसका मीनिंग मतलब थोड़ा डिफरेंस चेंज हो गया, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है। दिस इज देबूज डॉग, कि यह देबू की गुड़िया है। डी स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स यूजिंग एन एस विद द वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट, कि हमें यहाँ ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए हैं उनके साथ हमें एस यूज करके ये जो ब्लैंक्स हमें दिए गए हैं इन्हें फिलअप करना है। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज द डैश टेबल इज बिग, ब्रैकेट में हमें क्या दिया गया? टीचर, द टीचर्स टेबल इज बिग। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड इज माई डेज कार इज ब्लैक, ब्रैकेट में क्या दिया गया? डेट, तो क्या आएगा? माई डेड्स कार इज ब्लैक। थर्ड इज द डेज टेल इज स्मॉल, ब्रैकेट में क्या दिया गया? एलिफेंट, द एलिफेंट्स टेल इज स्मॉल। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ इज ही हैज़ फाउंड डेज पेंसिल, ब्रैकेट में क्या दिया गया? रूबी, ही हैज़ फाउंड रूबीज पेंसिल। ओके स्टूडेंट्स, फिफ्थ इज द डेज स्टिक वाज लॉस्ट, ब्रैकेट में क्या है? ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन स्टिक वाज लॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज लेट्स राइट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि जो आपको क्या करना है यहाँ पे, खुद को इंट्रोड्यूस करना है। ओके स्टूडेंट्स, माई नेम इज़, प्लीज़ फिल अप इन दिस लाइन योर नेम। माई मदर्स नेम इज़ मिसिज, आपको यहाँ पे अपनी मोम का नेम राइट करना है। शी इज़, कि वह क्या करती हैं, आप उनके बारे में यहाँ पे राइट कर देना। ओके स्टूडेंट्स, माई फादर नेम इज़ मिस्टर, यहाँ पे आपको क्या राइट करना है? आपके जो पापा हैं उनका नेम राइट करना है। ही इज़, कि वह क्या करते हैं? आई स्टडी इन, आप कौन सी क्लास में स्टडी करती हो, स्टडी में क्या करते हो आप? ओके स्टूडेंट्स, माई क्लास टीचर्स नेम इज़, जो आपकी क्लास टीचर का नेम है वो यहाँ पे राइट कर देना। आई ओबे, मैं आप क्या करते हो, क्या आप आज्ञा मानते हो, क्यों, क्या क्या कुछ है, मतलब खुद के बारे में इंट्रोड्यूस करना है। आई लाइक, आपको क्या पसंद है। आई वॉन्ट टू बी, आप क्या चाहते हो। आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भगवान से क्या मांगते हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज माई सेल्फ, पेस्ट योर फोटो। डियर स्टूडेंट्स, ये जो यहाँ पे पिक्स दी गई है हमें, यहाँ पे एक दिया गया पोस्टर, उसमें क्या करना है आपको, जो अपनी है फ़ोटो, आप अपनी खुद की या अपनी जो फैमिली फ़ोटो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट इज क्रिएटिव माइंड्स. क्या है नेक्स्ट? क्रिएटिव माइंड्स. यूज ऑफ इज आर एम कि हमें क्या करना है, इज एम और आर का जो है यूज़ करना है. रीड द सेंटेंस इज गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, प्लीज़ हमें वो रीड करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, महिमा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल. महिमा क्या है? एक खूबसूरत लड़की है. दिस इज ए बुक, यह एक बुक है. वी यूज इज विद पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट और एनिमल नेम्स कि हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, एक इंसान, स्थान, ऑब्जेक्ट या एक पशु के जो नाम के साथ हम इसका यूज़ करते हैं. दे आर गोइंग टू आगरा, वे आगरा जा रहे हैं. दे आर गोइंग टू आगरा. महिमा एंड मनीषा आर गुड फ्रेंड्स कि जो महिमा एंड मनीषा है वो क्या है, आर गुड फ्रेंड्स हैं. वी यूज़ आर विद मोर देन वन पर्सन प्लेस ऑब्जेक्ट और एनिमल नेम्स. जब हम दो चीज़ों के साथ होते हैं तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, टू, जो टू चीज थिंग्स होती हैं उनके लिए आर. नेक्स्ट इज आई एम ए गुड गर्ल, मैं एक अच्छी लड़की हूँ. वी यूज़ एम विद आई हैज ए डॉयर. ओके स्टूडेंट्स, एम मतलब हम खुद के लिए जब हम किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो एम का यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स एंड आंसर द रीडल्स. आंसर द रीडल्स. ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे कुछ डेज दिए गए हैं और उनमें हमें जो सूटेबल वर्ड्स हैं वो फिलअप करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आई डेज ए बिग एनिमल, आल चिल्ड्रन डेज फॉन्ड ऑफ मी, माई लॉन्ग ट्रंक डेज वेरी अट्रैक्टिव, हु एम आई, आई एम ए बिग एनिमल, मैं एक बहुत बड़ा एनिमल मीन्स पशु हूँ. आर चिल्ड्रंस आर फॉन्ड ऑफ मी, माई लॉन्ग ट्रंक इज वेरी अट्रैक्टिव, हु एम आई, मैं कौन हूँ. Do you know students? I hope आप understand कर गए होंगे कि जो इस जो ये है हमें यहाँ पे दिया गया है कि इसमें जो है कौन से एनिमल के बारे में बात हो रही है. You understand students? Please write your animal's name. Okay. Next is draw or paste my picture below कि जो वो एनिमल था वो क्या कह रहा है, ड्रा और पेस्ट माई पिक्चर बोलो कि आप यहाँ पे उस जो एनिमल है उसकी पिक्चर ड्रा कर सकते हैं या उसे पेस्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज देयर डेज मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल बट डे इज वेरी सॉफ्ट एंड वाइट. इन माई गार्डन देयर डेज मैनी वेजिटेबल्स बट आई डेज फॉन्ड ऑफ कैरेट्स ओनली. गाइज हु डेज आई, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एनिमल कि कई तरह के जानवर हो जाते हैं बट एम वेरी सॉफ्ट एंड वाइट कि मैं बहुत मुलायम और सफ़ेद हूँ. इन माई गार्डन देयर आर मैनी वेजिटेबल्स कि मेरे जो गार्डन है उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स है बट आई एम फॉन्ड ऑफ कैरेट्स ओनली, मैं ओनली गाजर खाता हूँ. गाइज हु एम आई कि मैं बताऊँ मैं कौन हूँ. ओके स्टूडेंट्स, ड्रा और पेस्ट माई पिक्चर बिलो, इसमें भी ये कौन से जो एनिमल के बारे में बात हो रही है आप समझ गए होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप उसकी पिक्चर ड्रा कर सकते हैं या उसको पेस्ट कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा जो फर्स्ट लेसन चैप्टर है दैट इज़ मी वो क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप इसके जो कंप्लीट जो हमारा चैप्टर है और उसके क्वेश्चन आंसर है वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. कल जो हमारा नेक्स्ट है वो रीड अप करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एनी प्रॉब्लम यू कॉमेंट ऑन आवर टेलीग्राम एंड यू लाइक अवर वीडियोज प्लीज़ शेयर इट. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एट होम.